today we have to discuss the topic variable expansion, where determination of term which contains x power p. तो वैसे terms की बात करेंगे जहाँ x power p, x power कुछ constant, x power कुछ दिया रहेगा, तो x to the power something 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिया रहे, तो वैसे term का coefficient निकालने के तरीके जानेंगे आज. Timing आपका होगा hardly 4 to 5 seconds. Just will get the magic to find the term which contains x to the power p in just 4 to 5 seconds. Okay, so just I'm giving you the magic. How can you find? So this is the theory. First you know, this is the theory. ये लिखा, let r plus 1 terms contains x to the power p. Suppose r plus 1 term contains x to the power p. So t r plus 1 क्या हो गया? ये होगा अपने पास n c r a x to the power a power n minus r and b upon x to the power b this to the power r. Again, n c r a to the power n minus r and b to the power r. अपने को वेरिएबल चाहिए. वेरिएबल हो गया हमारे पास n of a minus r, कॉमन लोगे. यहाँ से आ गया a, यहाँ से आ गया b, ये हो गया a plus b, ये हो गया बस a plus b. अब क्या करने का है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे. इसे आपको इक्वेट करना पड़ेगा x to the power p से. ये हो गया आपके पास p equals to एन ए माइनस आर ऑफ ए प्लस बी. आपको तो आर चाहिए. आर क्या हो गया? आर अपने पास हो गया एन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वेयर एन इज द कंप्लीट पावर, ए इज हेयर कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड एज डिनोमिनेटर, एंड पी इज द रिक्वायर्ड, पी इज द डिजायर्ड पावर. पी आपको जो चाहिए वो हो गया. अगर इसी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए था तो पी को जीरो कर देंगे. तो ये आपका बन गया ट्रिक. इस ट्रिक से अपन काम चलाएंगे क्वेश्चन में. अब देखते हैं क्या, अब इसे कैसे बाकी क्वेश्चन जो लिखा आपने यहाँ पे, 4 questions लिखे गए हैं, इसको कितना आसानी से बना सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ h टू द पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा. अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है? अपने पास केवल ये ट्रिक है जो सपोर्ट करेगा हर क्वेश्चन में. ये यहाँ क्वेश्चन लिखा हमने, यहाँ लिखा हमने क्या, आर लिखा, यहाँ लिखा रिक्वायर्ड टर्म्स. आर क्या आ गया? आर हो गया एन ए, एन ए हो गया आपका एन ए माइनस पी अपॉन ए प्लस बी. एन ए क्या है? 10 into 2, ये हो गया आपका 20. पी कितना चाहिए? पी चाहिए 2, पी हो गया आपका 2. ए प्लस बी 2 plus 1 3, ये क्या हो गया? 2 plus 1, ये हो गया 3. देखो तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 20 minus 2 18 18 by 3, ये हो गया 6. यहाँ हो गया 6, रिक्वायर्ड टर्म हो गया पर 10c6. दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म 10c6. कोफिशेंट्स भी हमारे पास है, कोफिशेंट्स है 2 फर्स्ट के साथ है, 2 पावर हो गया 4. इट इज योर आंसर. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में देखते क्या है. यहाँ लिखा हमने r, यहाँ लिखा रिक्वायर्ड टर्म. r कैसे निकालोगे? तो यहाँ हो गया 15 into 3, ये हो गया 15 into 3 माइनस पी. माइनस पी, पी कहाँ है हमारे पास? पी चाहिए माइनस 5, ये हो गया अपने पास प्लस 5. ओके, बाय 3 प्लस 2 हो गया 5. तो क्या हो गया? 15, 3 से कितना हो 45 प्लस 5 50, ये हो गया 50 by 5, ये बन गया पास 10. रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गया? 15c10. ओके, ये हो गया 15 पावर था तो 15c10. कुछ कोएफिशिएंट भी है, कोएफिशिएंट भी है 2 है, 2 का पावर हो गया पास 5, 15 minus 10. दिस वन अगेन, बस ये कंसेप्ट आपस याद होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या हमने, क्वेश्चन नंबर 3 में, और 3 से पहले 4 क्या जाए ताकि ऊपर स्पेस बन जाएगा. ये लिखा आर, यहाँ लिखा रिक्वायर्ड टर्म. आर क्या हो गया? आर हो गया 20. आर पावर कितना हो गया? ये हो गया एन, एन हो गया 20 इंटू ए, ए कितना है 2, यहाँ हो गया 2. माइनस क्या चाहिए? पावर एन जो चाहिए, पी चाहिए, पी है 9, तो माइनस में एन अपॉन कितना? अपॉन 2 plus 1 3 अपॉन हो गया 3, तो ये हो गया 40. कितना हो गया? 20 और दिस 40 minus 9 कितना? 31, ये हो गया 31 by 3. तो 31 by 3 क्वेश्चन गलत हो गया है ना, 31 by 3 क्वेश्चन गलत हो गया. सो अगर ये फ्रैक्शन में आ गया, सो देयर इज नो टर्म कंटेंस x to the power 9. इससे क्या मिला? इट मस्ट बी, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर नहीं है जो चाहिए था,
ये गलत हो गया, ये नहीं चाहिए, मतलब तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं आई, ये नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखे जाए, देखें क्या है, थर्ड हमारे पास है आर का वैल्यू कितना, आर हमारे पास है 11 इंटू या पावर 1 है, 11 इंटू 1 माइनस पी हो गया प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 1 3, ये हो गया 18, 18 बाय 3 ये हो गया 6, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड टर्म कितना हुआ, एनसीआर, एनसीआर मीन्स हो गया 11c6, उसका कोएफिशिएंट भी है, कोएफिशिएंट भी है 3, 3 का पावर कितना हो गया 11 माइनस 6 ये हो गया 5 और माइनस में हाफ यहाँ पे पावर हो गया 6, पावर 6 था से माइनस को हटा सकते, ये आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, एक क्वेश्चन लिखता हूँ 5 नंबर की, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या, 2x पावर 5 1 बाई एक्स पावर 3, दिस दिया हमने, पावर लिख दिया हमने 10, तो 10 लिखा था यहाँ ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 8, तो यहाँ चाहिए कितना, यहाँ चाहिए 2, क्यों चाहिए, 50 माइनस 2 हो गया 48, नीचे हो गया दिस 847, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ठीक करो, आप आपको चाहिए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2 मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए इसके एक्सपेंशन से, तो आर क्या हो गया, आर हो गया आपका एन ए माइनस पी अपॉन ए प्लस बी, एन ए कितना हुआ 10, ये हो गया 50, पी कितना है, पी हमारे पास हो गया 2 माइनस में, ये ए प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया प्लस 8, तो ये कितना हो गया ऊपर हो गया 48 बाई 8, तो ये कितना 6 हो गया। अब अपने पास निकालेंगे रिक्वायर्ड टर्म, तो रिक्वायर्ड टर्म कितना हो गया, रिक्वायर्ड टर्म हो गया 10c6, कुछ कोएफिशिएंट भी है, दिस का पावर 4, इट्स योर आंसर माय डियर। सो व्हाट डू यू सी हियर, जस्ट अगर आपको अच्छा लगे तो जस्ट यू लाइक माय यूट्यूब चैनल, शेयर इन योर ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।